कैसे बताती, 20 बरस हो गए, इतनी सी बच्ची थी जब मुझे उससे अलग किया गया। मैं अचानक वहां जाके कह देती मैं तेरी माँ हूं, तो क्या वो विश्वास करती? विश्वास कर भी लेती तो क्या स्वीकार करती मुझे? उन्होंने उसके मन में मेरे खिलाफ न जाने कैसे कैसे जहर भर रखा है। मैं उस पर अपना आप जाहिर कर देती और वो मुझे धुतकार कर निकाल देती तो? नहीं माँ, नहीं, नहीं। बेटी किरण, किरण मेरी बेटी है, किरण मेरी बेटी है, मेरी बेटी इसमें गलती तेरी है राम, तूने सुधा को बहुत ढील दे रखी है। अरे मैं मानता हूं कि वो कमाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज शाम तक वो घर से बाहर रहे। अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। मैंने भी यही सोचा है। अरे शादी तो कभी भी हो सकती है, मगर वो पति के घर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? तेरी तनख्वाह से तो हमारा इलाज चलता है और उसकी तनख्वाह से घर चलता है। ये सब सोचकर मैंने सुधा के लिए एक लड़का देखा है, बात भी पक्की कर ली है। शादी के बाद लड़का यहीं रहेगा हमारे पास, कल वो लोग सुधा को देखने आ रहे हैं। डैडी इसकी कोई जरूरत नहीं। कहां थी तुम? मैंने अपना वर चुन लिया है और वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है। सुधा, आज तक मैंने तुझसे कोई सख्ती नहीं बरती, इसका मतलब ये नहीं कि तू। डैडी मैं सब समझती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है आप पर कितनी परेशानियों का बोझ है। जो लड़का मैंने चुना है वो मेरे साथ बैंक में काम करता है, उसकी तनख्वाह 1000 रुपए है, न माँ है न बाप, सिर्फ एक भाई है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और शादी के बाद वो हमारे साथ ही रहेगा और जरूरत पड़ी तो अपनी तनख्वाह से हमारी मदद भी करेगा। राम, अरे ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। लड़के भी खुश और हमारा भी कल्याण। राम तू जाके बात कर ले। ठीक है सुधा, लड़का तुझे पसंद है तो मैं कल ही जाकर उसके भाई से बात कर लूंगा, तू मुझे उसका नाम और पता बता दे। आपको जाने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद आएंगे आपके पास। बस बस बस। अरे सुधा जी, शंकर नहीं आया अभी तक? पता नहीं डैडी, मेरी तो आज छुट्टी थी, शायद कोई काम निकल आया होगा। आप खाइए। सुधा जी। सुधा मुबारक हो। किस बात की? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ फादर इन लॉ, पहले मुंह मीठा कीजिए आप। कुछ बताइए भी तो सही। मुझे प्रमोशन मिल गई है। प्रमोशन मिल गई है? हाँ, और प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफर भी हो गया। ट्रांसफर? हाँ ससुर जी, ट्रांसफर। सुधा तुम जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, हमें 1-2 दिनों में जाना होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तो नौकरी यहाँ। मैंने तुम्हारे ट्रांसफर के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो मैनेजर साहब कहने लगे कि 2 साल तक मुमकिन नहीं है। 2 साल? हाँ सुधा, 2 साल। पर तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नौकरी छोड़ो, चलो मेरे साथ। राम, सुना तूने क्या कह रहा है? राम बेटा, सुधा नौकरी छोड़कर कैसे जाएगी? अरे नौकरी नहीं छोड़ेगी तो मेरे साथ कैसे जाएगी? अरे मैं जाने की जरूरत भी क्या है, हम चाहे तो तुम्हारी ट्रांसफर रुकवा सकते हैं। कमाल कर रहे हैं आप ग्रैंडफादर इन लॉ, पिछले 5 सालों से मैं इस ट्रांसफर के लिए जान तोड़ रहा हूँ। अरे भाई इस ट्रांसफर का फायदा क्या है? ओहो तरक्की, प्रमोशन, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी और बैंक की तरफ से मुझे फ्री मकान भी मिलेगा। अरे तुम दोनों चले गए तो हम सबका क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, आप यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो जानते हो बेटा मेरी तनख्वाह माँ और पिताजी के इलाज पे चले जाती है, सुधा की तनख्वाह से घर चलता है। अगर सुधा नौकरी छोड़कर चले गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? मैं आपके परिवार को देखूं या अपने भले को? आपके परिवार का क्या होगा उसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा ना सही, मेरी बेटी का तो है। वो बात आप फादर इन लॉ अपनी बेटी से कीजिए। बेटे तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं अपाहज, ये अंधी, हम दोनों का इलाज,
और फिर लंबे चौड़े खर्चे। बेटा तुम दोनों इस तरह अचानक चले जाओगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आप इतना ही मजबूर हैं तो चलिए हमारे साथ, जो भी रुखी सुखी बनेगी आप खा लीजिएगा। ना बाबा ना, दामाद की चौखट पर बैठा, ससुर बुरा, गली का कुत्ता अच्छा। क्यों? जब ससुर के घर बैठा दामाद आपको गली के कुत्ते से बुरा नहीं लगता, तो दामाद के घर बैठे ससुर जी और उनके पूजे माताजी और पिताजी में क्या बुराई है? शादी से पहले तुमने क्या वादा किया था? यही ना कि तुम यहां रहोगे हमारे पास? शादी से पहले हर मर्द हजारों वादे करता है फादर इन लॉ, लेकिन उन वादों का कोई मतलब नहीं होता। ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं की? मेरा ख्याल था आप जानते होंगे, क्योंकि आप खुद एक मर्द हैं, एक समझदार मर्द, एक तजुर्बेकार मर्द। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है शंकर। असली मर्द की यही तो तारीफ है फादर इन लॉ। सुधा, मैं चला बैंक वापस। अब तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम अपने परिवार की खातिर अपने पति को छोड़ना चाहती हो या अपने पति की खातिर अपने परिवार को। सुनिए तो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे आकर बैंक में बता देना, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। देखा बेटी, तू कहती थी कि बहुत अच्छा है वो, शादी से पहले कहता था कि उसे हमारी सारी शर्तें मंजूर है, अब शादी हो गई तो तुम कौन हो, मैं कौन हूं? बेशर्म दगाबाज। डैडी, वो मेरे पति हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं। सुधा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर तुम चली गई तो बाप होने के नाते आपको खुद सोचना चाहिए। अगर वो आदमी आपकी बेटी को छोड़ के चला गया तो लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे ये वही औरत है जिसका पति उसे छोड़ के चला गया। तो आखिर तुम ही बताओ कि हम करें क्या। मैं क्या कह सकती हूँ डैडी, मैं तो खुद सोच रही हूँ, भगवान ने ये पति और पत्नी का रिश्ता बनाया है क्यों है। हर पति अपने आप को परमात्मा समझता है और पत्नी को पैर की धूल, जब चाहा ठोकर मार दी। शादी से पहले हर आदमी औरत से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, मैं उन्हें सदा सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, और शादी के बाद उन्हें किसी खाई में फेंक देता है जैसे वो इंसान नहीं कोई खामखा का बोझ हो। और अगर पत्नी कुछ कहती है तो पति फौरन हुक्म चलाता है, फैसला कर लो तुम्हें पति चाहिए या परिवार। ये तुम क्या कह रही हो सुधा? बेचारी पत्नी क्या कहेगी, उसे तो पति के साथ जाना ही पड़ेगा। सुधा, इसका मतलब है कि तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। डैडी मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तो चली गई। राम, हे राम, अरे तुम घरे सोच क्या रहे हो, जाओ शंकर के भाई से बात करो। वो तो ठीक है मगर उसका ट्रांसफर हो गया है, वो बेचारा कर ही क्या सकता है। सवाल है कि मैं क्या करूं आपके उस वादे पर कि शादी के बाद लड़का लड़की दोनों मेरे घर में रहेंगे, मैंने शादी के लिए हाँ की थी, अब वो दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरी क्या पोजीशन होगी? बेटी पे बाप का हक सिर्फ शादी तक होता है डैडी, उसके बाद जो भी हो पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है, यही हमारी हिंदू सभ्यता है डैडी। मुझे तुम सभ्यता सिखा रही हो? सिखा नहीं रही डैडी, सिर्फ बता रही हूँ आप जैसे बुजुर्ग क्या कहते आए हैं और क्या कहते रहेंगे। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ डैडी, मैं एक हिंदू पत्नी हूँ और हिंदू पत्नी की जगह उसके पति के चरणों में होती है। देख रहे हैं आप मेरी बेटी कितनी जल्दी कितनी तरक्की कर गई है, कल तक मेरे सामने मेरी मर्जी के खिलाफ इसके मुंह से बात नहीं निकलती थी और आज ये मुझे ज्ञान दे रही है। ये सब आपके भाई शंकर ने इसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है। इंसाफ यही है कि आप बड़े होने के नाते से समझाइए और मेरे साथ भेज दीजिए। अगर मैं कहूं भी कि इंसाफ यही है तो भी मेरा भाई नहीं माने। तो किसकी बात मानेगा वो? सिर्फ एक इंसान है इस दुनिया में जिसका कहा वो सुन सकता है, मान सकता है, मैं उन्हें लेकर आता हूं, इंसाफ उन्हीं के हाथों होगा। मेरे डैडी आए हैं, आप उन्हें नमस्ते नहीं करेंगे? ससुर को दामाद के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं या दामाद को ससुर के आगे? फिर भी वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। सिर्फ उम्र बड़ी होने से अगर इज्जत बढ़ जाती है तो हमें दुनिया के हर पत्थर को प्रणाम करना चाहिए, क्यों? आप जो कुछ पूछना चाहते हैं इनसे पूछ सकते हैं।
तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्ची की माँ। इस नाते अगर तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं आ सकती तो इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। तुम अगर मेरे साथ नहीं आई तो समाज तुम्हीं पे उंगलियां उठाएगा। इस तरह सोग मनाते हुए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रह के भी तुम उन्हीं का रोना रहोगी। तुम यहीं रहो, खूब कमाओ, जिसे जो तालीम दिलवाना चाहती है दिलवाओ, बड़ा आदमी बनाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। खामोश क्यों है? पूछिए ना। अब ये क्या पूछेंगे, सवाल भी खुद और जवाब भी खुद। इसका मतलब तुम सुंदर हो? जी हाँ, वही सुंदर जिसे आप दफ्तर का चपरासी बनाना चाहते थे। सर, मैं डॉक्टर सुंदर का भाई नहीं, मैं वही अनाथ शंकर हूं जिसके साथ आपके घर में नौकरों से भी बुरा सलूक होता था ना। और ये जो मजलूम औरत आपके सामने खड़ी है, आपकी पत्नी है, जिसे बदनाम किया गया कि वो अपने पति और अपनी बच्ची को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ चली गई। चुप रह किरण। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे कहने दो माँ, मुझे कहने दो। इस बेचारी को अंदाजा नहीं था कि पति का हुक्म न मानने का ये नतीजा होता है, इसलिए ये जिंदगी भर दुख और मुसीबतें झेलती रही। लेकिन मेरे सामने तो जिंदा मिसाल है। अगर इसके बावजूद मैं अपनी तनख्वाह से आपकी मदद करूं तो क्या मेरा पति मुझे छोड़ नहीं देगा? जरूर छोड़ देगा। सुना आपने, इसीलिए मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने पति के साथ चली आई। क्या मैंने गलती की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब दीजिए, चुप क्यों है? किरण, मुझे पूछने दो माँ। ये वो महापुरुष है जो कहते हैं कि औरत को अपनी कमाई में से अपने परिवार पे एक पैसा खर्च करने का कोई हक नहीं, ये हक सिर्फ मर्द का है। वो अपने माँ बाप भाई बहन सबको पाल सकता है। उसकी माँ माँ है, उसका बाप बाप है, और औरत के माँ बाप कुछ भी नहीं। आज जब इन पे बीत रही है तो ये हमें बता रहे हैं कि इंसाफ क्या होता है। बेटी, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरी माँ के बेसहारा परिवार का उसकी तनख्वाह पे कोई हक नहीं था तो मेरी तनख्वाह पे आपका क्या हक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी सभ्यता यही सिखाते हैं ना कि पत्नी को अपने पति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाऊंगी तो मेरे साथ भी वही होगा जो मेरी माँ के साथ हुआ था। उस वक्त आपका इंसाफ कहाँ गया था जब आपने मेरी बेकसूर माँ को घर से निकाल दिया? इंसाफ तो अंधे की लाठी है पिताजी। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके लिए इंसाफ अलग होगा और मेरी माँ के लिए इंसाफ अलग होगा? किरण चुप रह, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगी। माँ, तू अपने आप को मेरी बेटी कहती है? तूने अपने आराम, अपने स्वार्थ के लिए अपने फर्ज को कुर्बान कर दिया। आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। 20 बरस पहले अगर मैं भी वही करती जो आज तूने किया है तो तेरे पति की क्या हालत होती? क्या इस वक्त वो यहाँ होता? क्या तेरा पति बनने के योग्य होता? क्या सुंदर डॉक्टर बन सकता? मैंने तुम दोनों के लिए जो किया है, तुम पे कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन आज जो तुम लोगों ने हरकत की, मुझे लगता है मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। तुम लोगों को ठीक शिक्षा नहीं दी। शंकर, तुमने मुझे बताए बगैर किरण से शादी की, किरण के पिता को धोखे में रखा, और सुंदर तुम तो बड़े हो, तुम भी इनके साथ मिल गए। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन, तुम्हारी छोटी मालकिन और तेरी माँ नहीं, किसी की पत्नी भी हूँ। मैं तुम तीनों से पूछती हूँ, मेरे पति का कसूर क्या है? इन्होंने ऐसी कौन सी नाइंसाफी की है जो दुनिया के हर मर्द ने नहीं की? जब से दुनिया बनी है, मर्द ने हमेशा अपने आप को औरत से बढ़कर माना है। मर्द ने ही कानून बनाए हैं, मर्द ने ही इंसाफ किया है, तो आज कौन सी नई बात हो गई? शंकर, तुमने भी वही किया जो तुमसे पहले तुम्हारे पुरखों ने किया है। अगर तुम लोगों को कुछ करना ही था तो कोई ऐसी बात करते जिसे औरत के जन्म जन्म की दुविधा खत्म हो जाती। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सभ्यता जन्म ले सकती जिसमें औरत और मर्द में कोई फर्क न किया जाए, जहां औरत को भी मर्द की तरह इंसान समझा जाए। शंकर, अगर तुम अपनी छोटी मालकिन को खुश देखना चाहते हो तो किरण के पिता से माफी मांगो और किरण को लेकर उनके साथ जाओ। इसकी जरूरत नहीं है शंकर। किरण, तुम दोनों ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस दुनिया में जब तक मुझ जैसे गलतियां करने वाले लोग हैं, गलतियों को सुधारने वाले तुम जैसे इंसानों का होना जरूरी है। परसों पहले जब तुम्हारी दीदी ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएगी
तो मैंने उसे कहा था कि सीढ़ी लगाकर इंसान दीवार पर तो चढ़ सकता है मगर आसमान तक नहीं पहुंच सकता। तब तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा, आसमान तो क्या, हिम्मत हो तो इंसान उससे भी ऊपर जा सकता है। आज तुम्हारी बहन ने अपनी बात को सच कर दिखाया, तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, लेकिन इस ऊंचाई पर खड़े होकर सिर्फ ऊपर की तरफ मत देखना, कभी कभी एक नजर नीचे भी देख लेना, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारी सीढ़ी थामे नीचे खड़ी है, तुम्हारी तरफ देख रही है कि कहीं सीढ़ी अपनी जगह से हिल ना जाए। सुंदर, अपनी बहन को हमेशा देखते रहना। हाँ, याद है उस रोज तुमने मुझसे कहा था, जब आंधी आती है तो फल फूल पत्ते गिर जाते हैं, शाखें डर के मारे कांपने लगती हैं, लेकिन जो पेड़ है वो अपनी जगह से डर से मस नहीं होता। अगर पेड़ भी शाखों की तरह कांपने लगे तो वो गिर जाता है। मैं वो पेड़ हूं जो अपनी जगह से गिर गया, गिरने के बाद तुम्हारी बात मेरी समझ में आई मगर बात देर हो चुकी थी। गिरा हुआ पेड़ फिर से खड़ा नहीं हो सकता। पता मुझे खुशी है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो। अच्छा, मैं चलता हूं। रोक ले रोक ले राम को, रोक ले सीता, जिसके लिए मेरी मंजिल तो आप हैं।